हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दर्शन। दोस्तों, सीटेट का एग्जाम जनवरी 2024 में होने वाला है, उसके संबंधित हम सीरीज चलाएंगे। अब हमारा यूजीसी नेट का पेपर हो चुका है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बात करेंगे लैब बाइगोस्की। लैब बाइगोस्की से हर बार सीटेट में क्वेश्चन एक से दो पूछे जाते हैं कि लैब बाइगोस्की कौन है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, इसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। पढ़ते लैब बाइगोस्की के सिद्धांत, यानी सामाजिक विकास का सिद्धांत या समीपस्थ विकास का सिद्धांत, जिसको हम ZPD के नाम से भी जाना जाता है। जब सामाजिक विकास की बात होती है तो सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो लैब बाइगोस्की का होता है। इसके साथ ही आपने पढ़ा होगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा का भी पूछा था, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा गया वो लैब बाइगोस्की का पूछा गया। क्लियर है? सबसे पहले हम बात करेंगे इनके सिद्धांत का नाम क्या क्या है। तो आपको सबसे पहले आपको सिद्धांत बताना है समीपस्थ विकास का सिद्धांत। समीपस्थ विकास का सिद्धांत। एक और होता है सामाजिक विकास का सिद्धांत। एक और पूछता है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। यानी जब लैब बाइगोस्की की बात होती है तो ऑल ओवर जो बात होगी वो सामाजिक विकास की बात होगी, जिसको उन्होंने तीन नामों से जाना है कि समीपस्थ विकास का सिद्धांत या सामाजिक विकास का सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अब यहां पर समझने वाली बात यह होगी कि जो समीपस्थ विकास का सिद्धांत है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए, ZPD, यानी जॉन प्रॉक्सिमेंटल ऑफ डेवलपमेंट। ZPD की भी बात किसने की है तो आपको बता देना है लैब बाइगोस्की की। लैब बाइगोस्की का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब इन्होंने ये कहा था कि जब एक बालक में भाषा का विकास हो या बुद्धि का विकास हो तो वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होना चाहिए, ये वाली बात क्लियर है। एक और चीज समझ लेते हैं। अब इन्होंने ये बात बोली थी बाइगोस्की ने कि मान लीजिए एक बालक में, समझना, या तो भाषा का विकास होगा या बुद्धि का विकास होगा, इन दोनों का जब विकास होगा तो वो किसके द्वारा होगा, तो उन्होंने बताया था सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होगा। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। अगर आपसे क्वेश्चन सीटेट में यह पूछा जाता है कि एक बालक में भाषा का विकास बाइगोस्की के अनुसार कैसा होगा, तो आप बेझिझक, आप बिल्कुल तल्लीनता के साथ आप बता सकते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा एक बालक में भाषा का विकास होगा या उसकी बुद्धि का विकास जो होगा, वो समाज में अंतःक्रिया करते हुए, समाज में रहते हुए, समाज के लोगों से बातचीत करते हुए उसका विकास नहीं होना है। क्योंकि मैंने आपको जो वाली बात बताई पूरी, आपको ये पूरी तरह से समझना है कि जब बाइगोस्की की बात होनी तो पूर्ण रूप से आपको समाज से संबंधित बात होनी है। अब देखो, अब इस सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत कौन कौन आ सकता है, जो आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आएगा जो ये शब्द मिल जाए। देखो, रहन सहन इसके अंतर्गत आएगा, रीति रिवाज इसके अंतर्गत आएगा, आदत इसके अंतर्गत आएगा, परंपराएं इसके अंतर्गत आएगा, संस्कृति इसके अंतर्गत आएगा, और एक और शब्द और आ सकता है, सभ्यता इसके अंतर्गत आएगा। जब रहन सहन, रीति रिवाज, आदत, परंपराएं, संस्कृति, सभ्यता, इनमें से अगर कोई एक शब्द आपको दिखाई दे रहा तो आप बिल्कुल बेझिझक निडर होकर आप लैब बाइगोस्की लगा सकते हैं, सामाजिक विकास का सिद्धांत लगा सकते हैं। अब बात यहां पर होती है कि जब लैब बाइगोस्की ने बात की थी तो इन्होंने तीन चीजों पर कार्य किया था, समझना इसको। जब लैब बाइगोस्की ने बात कर रहे थे तो उन्होंने सबसे ज्यादा तीन चीजों पर की थी। एक तो इन्होंने MKO बताया था, जिसको बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर।
उसके बाद इन्होंने बताया था जेडपीडी जोन प्रोक्सीमेंटल ऑफ डेवलपमेंट, और उसके बाद इन्होंने तीसरा बताया था स्केप होल्डिंग, जो आपसे बहुत पूछा जाता है। इसको हिंदी में देखो मचान भी बोलते हैं, पहाड़ भी बोलते हैं, ढांचा भी बोलते हैं, पेट भी बोलते हैं और चबूतरा भी बोलते हैं। ये तीन चीज जो है लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करती हैं। अब यहां पर आपको समझ रही है कि एमकेओ क्या होता है, तो ये एक ज्ञानवान व्यक्ति होता है। एमकेओ के तर्ज पर जेडपीडी लाया गया और इन दोनों को मिलाकर स्केप होल्डिंग इसका शब्दिक अर्थ बताया गया। समझना एमकेओ का मतलब क्या है। देखो जब एक ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति की सहायता करता है, एमकेओ बोला जाता है। मान लीजिए मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझा दूं, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति, क्लियर। अब ये सेल्फ स्टडी कर रहा है, क्या कर रहा है, स्वयं अध्ययन कर रहा है। समझना जब ये स्वयं अध्ययन कर रहा होता है तो इसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मान लीजिए आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी सीटेट की सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। जब आप किन्हीं क्वेश्चनों पर अटक जाते हैं तो उन क्वेश्चनों को पूछने के लिए उन व्यक्तियों का सहारा लेते हैं जो आपसे ज्यादा ज्ञानवान होते हैं। अगर भाई हमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम उसी से पूछेंगे ना जो हमसे ज्यादा जानता होगा। जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है हम उसके पास वो समस्या को लेके जाते हैं और थोड़ी देर के लिए हमारी वो समस्या का समाधान कर देता है, जिसको एमकेओ बोला जाता है, जिसने बाद में किसका रूप ले लिया था, तो आपको पता है स्केप होल्डिंग का रूप ले लिया था। किसका रूप ले लिया था, स्केप होल्डिंग का। और ये कई बार पूछा गया है कि स्केप होल्डिंग का अर्थ क्या होता है, तो अस्थायी सहयोग, अस्थायी सहयोग। अगर वो ऐसे ना पूछे तो आप ऐसे भी बता सकते हैं वयस्कों द्वारा, अस्थायी रूप से सहायता करना। यानी भाई जब ये जो व्यक्ति स्वयं अध्ययन कर रहा था, अब उसे किसी न किसी प्रश्न पर अटक रहा, जब अटक रहा है तो वो खुद से ज्यादा जो व्यक्ति जानता उसके पास जाएगा, जब उसके पास जाएगा तो उसके किसी न किसी रूप में सहायता करेगा ही करेगा। तो उसे थोड़ी देर के लिए, जब वयस्क यानी हमसे जो बड़ा व्यक्ति होता है वो हमारी थोड़ी देर के लिए उस समस्या का समाधान कर देता है, उसको स्कैफोल्डिंग नाम दिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, एमकेओ। अगर आपसे एमकेओ की फुल फॉर्म पूछे, जेडपीडी की पूछे, तो आप बता देना मोर नॉलेजबल अदर जोन प्रोक्सीमेंटल ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन स्कैफोल्डिंग का शब्द का अर्थ पूछे तो आपको बता देना अस्थायी रूप से सहायता देना, या वयस्कों द्वारा दी गई छोटे व्यक्ति को थोड़ी देर या थोड़ी मात्रा की या थोड़ी देर के लिए जो सहायता दी जाती है वो हमारा बेस्ट कहलाता है। और इसी के आधार पर उन दोनों में एक सामाजिक विकास का हुआ। जब हम एक व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको पता होता है कि सामाजिक विकास होता है। समाज आप जानते हो, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं। ये क्लियर बात है, क्योंकि यहां पर आपको इसका समझना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा जो आपसे पूछा जाता है वो स्कैफोल्डिंग पूछा जाता है, जो हर बार आता है। तो आप थोड़ा इसको इंपोर्टेंट भी डाल सकते हैं, थोड़ा आप इंपोर्टेंट डालेंगे तो थोड़ा आपके लिए फायदा भी होगा।
कि इसका पुल्लिंग का शब्द अर्थ क्या है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं इसके पुल्लिंग का शब्द अर्थ होता है अस्थायी सही उदाहरण या थोड़ी देर के लिए वयस्क द्वारा दी गई सहायता। सामाजिक विकास के सिद्धांत की बात होगी। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं जो आपको समझना बहुत जरूरी है, समाजीकरण। इसी के साथ में अब ये समाजीकरण जब हम पढ़ेंगे दोस्त, तो आपको ये समझ में आना है कि समाजीकरण इससे कोरिलेट करता है, लेकिन क्वेश्चन भी लेके आता है। देखो समझना, जब एक व्यक्ति किसी समाज के मानकों आदर्शों मूल्यों रीति रिवाज थोड़ा संस्कृति समझना सभ्यता को अपने व्यवहार में अपना लेता है। वो हमारा क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। और ये भी बायगोस्की से संबंधित होता है। तो आराम से कंपलसरी तीन क्वेश्चन ना मिले तब आप कहना समझना। यहां पर एक बीच में आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, अगर आप सीटेट यूपी टेट सुपर टेट एच टेट रीट केवीएस डी ट्रिपल एस यानी ऑल टीचिंग एग्जाम की साइकोलॉजी और पेडागोजी कि आपको अगर पेड नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। नोट्स का डेमो ले सकते हैं, अगर नोट्स आपको पसंद आते हैं तो आप खरीद सकते हैं। नोट्स ऐसा होगा जो आपके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। ये वाली बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। नोट्स का डेमो आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं। अगर पसंद आए तो नोट्स परचेज कीजिए, नहीं तो कोई बात, नोट्स हैंड रिटन होगा जो एक एक पॉइंट को ऑल टीचिंग एग्जाम साइकोलॉजी पेडागोजी किसी भी आप ऑल इंडिया में बैठे उससे कोई मतलब नहीं। रेट हो, एच टेट हो, हरियाणा टेट हो, मध्य प्रदेश टेट हो, राजस्थान टेट हो, बिहार टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, कोई सा भी हो, आप उसके टेट की साइकोलॉजी पढ़ना चाहते तो आउट ऑफ आउट हमारे यहां से आपको मिलेगी, ये गारंटी। जब एक व्यक्ति किसी समाज के रीति रिवाज कायदे कानून परंपराओं को अपने व्यवहार में ढाल लेता है वो समाजीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझना चाहें तो इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए ये मेरठ का समाज है और ये वाला जो है ये अलीगढ़ का समाज है, क्लियर है। जब एक व्यक्ति मेरठ से अलीगढ़ जाएगा तो मेरठ के समाज को ले जाएगा या मेरठ के समाज को छोड़कर अलीगढ़ के समाज को अपना लेगा? तो आप कहेंगे सर जब हम किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में, किसी एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं तो अपने जिले के सारे कायदे कानून को छोड़कर उस राज्य में जाते हैं, उस राज्य के कायदे कानून को अपने व्यवहार में डालते हैं। जब एक व्यक्ति इस अलीगढ़ के समाज को अपना लेता है वो उसका क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। वो उसका क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। यानी जब एक व्यक्ति किसी दूसरे समाज के रीति रिवाज कायदे कानून परंपराओं मूल्यों आदर्शों संस्कृति सभ्यता को अपने व्यवहार में ढाल ले और अपने व्यवहार को समाज के अकॉर्डिंग संचालित कर दे वो सोशलाइजेशन कहलाता है, यानी समाजीकरण कहलाता है। क्लियर। मान लीजिए आप अलीगढ़ में रहते हैं, आप आगरा जा रहे हैं तो आगरा जैसा बन जाएंगे, मेरठ जा रहे हैं मेरठ जैसा बन जाएंगे, इटावा जा रहे हैं इटावा जैसा बन जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जैसा बन जाएंगे। यानी
हम जिसके जैसा जहां पर जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, वो हमारा कैलकुलेटर है। समाज को, समाज से संबंधित जितनी भी बात हो रही है, कौन सी हुई है भाई, उसकी भी बात होनी, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। अब यहां पर दोस्त दो चीज और आपको बहुत अच्छे समझनी है। अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि समाजीकरण के साधन कौन कौन से हैं, जो आपसे पूछा भी जा रहा है हर बार। तो दोस्त आपको ये बताना कि समाजीकरण के जो साधन है वो कितने प्रकार के हैं, तो आपको बताने दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? दो। पहला कौन सा है? तो आपको बताना है दोस्त प्राथमिक। अब इस प्राथमिक में दो आते हैं, एक आता है परिवार और दूसरा आता है दोस्त पड़ोस, यानी पड़ोसी। उसके बाद जब हम दूसरे की बात करते हैं दोस्त, तो दूसरा आता है द्वितीयक, यानी गौर। इसमें कौन कौन सा आता है? एक आता है समाज, समुदाय मित्र मंडली विद्यालय मीडिया। और यहां से हर बार एक क्वेश्चन पुट अप होता है कि समाजीकरण के साधन कितने, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो। समाजीकरण के साधन दो माने जाते हैं, एक प्राथमिक और एक गौर। गौर को द्वितीय भी बोलते हैं, प्राथमिक को हम मुख्य भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मुख्य भी बोल सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। प्राथमिक में प्राइमरी और सेकेंडरी बोल सकते हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में आप बोल सकते हो आराम से कि प्राइमरी में हमेशा परिवार और पड़ोस आता है, सेकेंडरी में इन दोनों को छोड़कर समाज, समुदाय, मित्र मंडली, विद्यालय, मीडिया, ये सारे आते हैं। क्लियर बात है? समाजकरण मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया समाजकरण कैसे कहते हैं। क्लियर बात है? अब उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास की अवस्थाएं कितनी बताई है, जो पिछले सीटेट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अवस्थाएं कितनी बताई है, तो आप बताएंगे अवस्थाएं कितनी बताई है, तो आपको बताना है तीन अवस्थाएं बताएंगे। कितनी अवस्थाएं बताई? तीन अवस्थाएं बताई, कौन कौन सी? एक बतानी है शैशव अवस्था, दूसरी बतानी है बाल्यावस्था और तीसरी बतानी है किशोरावस्था। इसका समय 0 से 5 वर्ष, इसका समय 6 से 12 वर्ष, इसका समय 12 से 18 या 13 से 19। ये तीन चीज आपको समझ लेनी, और इन तीन चीजों से पिछली बार भी क्वेश्चन पुट अप हुआ है कि 0 से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। समझना ये है कि अगर वो आपसे ये पूछ रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक बालक में सामाजिक विकास कब प्रारंभ होता है, या अनुकरण के द्वारा सामाजिक विकास, या सामाजिक समूह के द्वारा सामाजिक विकास, या किसी समाज का सक्रिय सदस्य कब बनता है, तो समझना क्या है। अगर आपसे पूछे कि अनुकरण के द्वारा सामाजिक विकास कब होता है, तो आपको बताना अनुकरण के द्वारा, अनुकरण के द्वारा सामाजिक जो विकास होगा वो कौन सी अवस्था कहलाएगी, तो दोस्त आपको बताना है शैशव अवस्था कहलाएगी। कौन सी अवस्था कहलाएगी? शैशव अवस्था। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो अपने परिवार के सदस्यों को देखकर जो जैसा करते हैं वो वैसा ही सीखने की कोशिश करता है। क्लियर बात है? अगर दोस्त आपसे उसने पूछा है कि बाल्यावस्था की बात करें हम, तो बाल्यावस्था में बालक में समूह के द्वारा या समाज में रहकर सामाजिक विकास होता है। क्लियर बात है? दोनों तरीके समझना। पिछले सीटेट में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको समझिए, उसने ये वाली बात बोली थी कि किशोरावस्था में जो समाज का
जो सक्रिय सदस्य बनता है, समाज का जो सक्रिय सदस्य बनता है वो कौन सी अवस्था होती है, किशोर अवस्था होती है, या समाज सामाजिक विकास जो पूर्ण होता है वो किस अवस्था में होता है, तो आपको बता देना किशोर अवस्था में। दोबारा समझे, अगर आपसे पूछे वाइगोत्स्की के अनुसार किस अवस्था में बालक में समाज का विकास अनपढ़ के द्वारा होता है, तो आप बताएंगे शैशव अवस्था में। किस अवस्था में बालक में समाज और समूह के द्वारा सामाजिक विकास होता है, बाल्यावस्था में। किस अवस्था में एक बालक किसी समाज का सक्रिय सदस्य बनता है, किशोर अवस्था। और सामाजिक विकास जो पूर्ण हो जाता है वो कौन सी अवस्था कहलाती है, तो आपको बता देना किशोर अवस्था। पूरा का पूरा वाइगोत्स्की मैंने आपको समझाया, दोबारा समझे। लेव वाइगोत्स्की ने सिद्धांत जो दिया था, समीपस्थ विकास का सिद्धांत दिया था, सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने सबसे ज्यादा जो बताया था जेडपीडी बताया था, एमकेओ बताया था, स्कैफोल्डिंग बताया था। जेडपीडी की जो मैंने आपको फुल फॉर्म बताई है वो है जॉन प्रॉक्सिमेटर ऑफ डेवलपमेंट। एमकेओ की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई मोर नॉलेजेबल अदर। स्कैफोल्डिंग मैंने आपको बताया कि जब एक व्यक्ति वयस्क व्यक्ति द्वारा किसी छोटे व्यक्ति को अस्थायी रूप से थोड़ी देर के लिए जो सहायता दी जाती है, क्लियर होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया समाजीकरण किसे कहते हैं, जब एक व्यक्ति किसी समाज के रीति रिवाज कायदे कानून परंपरा आदर्श मूल्य को अपने व्यवहार में डालता है वो समाजीकरण कहता है। अगर आपसे ये पूछे समाजीकरण के साधन कितने होते, तो आप बता दें दो साधन होते, एक प्राथमिक साधन होता है, गौर होता है। प्राथमिक साधन में कौन कौन से आते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता दो, परिवार और पड़ोस आता है। और द्वितीयक में परिवार और पड़ोस को छोड़कर समाज समुदाय संस्कृति मीडिया विद्यालय मित्र मंडली सारे के सारे आते हैं। अगर आपसे ये पूछे सामाजिक विकास की वाइगोत्स्की ने कितनी अवस्था बताई, तो आप तीन अवस्था बता सकते हैं, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। क्लियर बात है। ये था दोस्तों वाइगोत्स्की। सीटेट जनवरी 2024 को लेकर हम चल रहे हैं। अगर आपको पेड नोट्स चाहिए तो मैंने बीच उसमें आपको नोट्स आपको वीडियो नंबर बता दिया, आप चाहें तो उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ा रहे ऐसा कि आपका काम आएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।